डॉक्टर नवल किशोर शक के इलाके में चला पीला पंजा, तो फिर अखिलेश यादव ने बनाया प्रतिनिधि मंडल और नवल किशोर को ही बना दिया मुखिया। प्रशासन के तर्क पर फूटा सपा चीफ का गुस्सा और कहा कि क्रूरता की हद हो गई पार, गिरते घर के साथ नीचे गिरती जा रही भाजपा। नवल किशोर की अगुवाई में अब होगा हल्ला बोल, सपा का ये सिपाही पूरी तरह से मुस्तैद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिखा ऐसा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीले पंजे की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी एक्शन का दौर जारी है। अब फर्रुखाबाद में जब हल्ला बोल दिखा तो फिर सपा ने सियासी तड़का लगा दिया। पहले अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया और अब डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के साथ मिलकर एक प्रतिनिधि मंडल भी तैयार कर दिया और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब चाहे जो हो जाए इंसाफ तो दिलवाकर ही दम लेंगे। जानकारी की माने तो फर्रुखाबाद जिला प्रशासन के द्वारा हरित ऊर्जा गलियारे के निर्माण के लिए मोहम्मदाबाद ब्लॉक के उखरा गाँव में कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की, जिसको लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक क्रूरता की हद करार दिया। प्रशासन के अनुसार उखरा गांव में सालों से अवैध रूप से कब्जा की गई बंजर भूमि पर शनिवार शाम कार्रवाई शुरू की गई। तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने बताया कि लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन पर लोगों का कब्जा है, जिसको हरित ऊर्जा गलियारे के लिए ग्राम समाज की सहमति पर अधिग्रहण किया गया है। पांडे ने कहा कि जमीन सरकारी है और बंजर भूमि है, जिस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और सभी अवैध निर्माण जमींदोज किए जाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई देख रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया है कि ये प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का वीभत्स चेहरा है। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है, जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हर गिरते घर के साथ भाजपा भी और नीचे गिर जाती है। अमृतकाल के सूचनार्थ आज लोकसभा फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के गाँव ओखरा में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घरों का बुलडोजर चलाकर न जाने कितने बड़े बूढ़े बीमारों बच्चों माताओं बहनों बेटियों को भरी बरसात में बेघर किया गया है। ये राजनीतिक क्रूरता की हद है। अलग अलग राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि उसकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने साफ किया था कि आदेश सार्वजनिक सड़कों फुटपाथों रेलवे लाइनों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लागू नहीं होगा। अब जो फर्रुखाबाद का मामला सामने आया है, इसको लेकर सनसनी का माहौल बना हुआ है और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर शाह के इस मामले में पार्टी की तरफ से साथ मिलने के बाद काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलवाकर ही मैं दम लूंगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।